हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चों, आज हम लोग लेके आए हैं श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के जो एमएससी फर्स्ट सेम के बच्चे हैं, जिनका एग्ज़ाम होने वाले हैं स्टार्ट, उनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो बच्चों 100% आपका एग्ज़ाम सही होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं, जो यहाँ पे समराइज किए हैं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टडी करते हैं वन बाय वन करके, और ये आपको करने ही करने हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वेरियस अफेक्टिंग फैक्टर्स। बच्चों, आप जानते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है, SN जिससे बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, ये दो तरह की होती हैं, SN1 और SN2। तो वहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं, चाहे वो सॉल्वेंट का इफेक्ट हो या फिर सबस्ट्रेट का इफेक्ट हो, जो फैक्टर्स आपने स्टडी किए हुए हैं वो यहां पर आपको अप्लाई करने हैं और वो आपको यहां पे एक्सप्लेन करने हैं। क्वेश्चन सेकंड रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बाय सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो बच्चों, आप जानते हैं नेबरिंग को एनकीमेरिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग कैसे होती है, और उस डिफरेंट एग्जांपल आपको यूज करने हैं, ये आप जानते हैं। थर्ड क्वेश्चन रहेगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे सेट मैकेनिज्म, आप जानते हैं सेट को शॉर्ट में बोलते हैं, और लेकिन फुल फॉर्म होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, आप जानते हैं। दूसरा यहाँ पे रहेगा बी, SNI, तो ये इंट्रा मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सी है क्राउन इथर और उसके यूज। डी रहेगा सिमेट्री ऑपरेशंस, आपको बताया हुआ है। और ये ई रहेगा कायरलिटी एंड एकायरलिटी, यहाँ पे आपको उसके बारे में बताना भी है और एग्जांपल में अप्लाई करके बताना है, खाली आप डेफिनेशन लिख के काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे कर्टिन हैमेट प्रिंसिपल, जी रहेगा RS and EZ कॉन्फ़िगरेशन। आप जानते हैं RS जो होता है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव, जहाँ पे कायरल सेंटर होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ प्रायोरिटी देते हैं 1, 2, 3, 4, और फिर देखते हैं रोटेशन क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। बिल्कुल सही बोले आप, EZ कॉन्फ़िगरेशन जो अप्लाई होता है ये आपका कंपाउंड के अंदर जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे भी प्रायोरिटी 1 और 2, देखिए आपको बताया हुआ है, प्रैक्टिस कीजिएगा। H रहेगा रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के बारे में आपको बताना है कि रेजोनेंस क्या होता है और कितने उसको कैसे अप्लाई करते हैं, स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको दिखाना है इसको। फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस हैमंड पोस्टुलेट विद एग्जांपल्स। फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डू यू मीन बाय टोटोमेरिज्म, एक्सप्लेन कीटो इनोल टोटोमेरिज्म विद सुटेबल एग्जांपल्स। तो आप जानते हैं टोटोमेरिज्म कई तरह की होती है, और उसमें जो मेन है वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म है। इन दोनों को एक्सप्लेन करना है आपको एग्जांपल की हेल्प लेके। सिक्स्थ क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन ब्रीफली। तो बच्चों यहाँ पे ये आपको पता है क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, एक शॉर्ट आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन को यहाँ पे आपको वैरायटी प्रोवाइड की गई है। और आपको पहले ही बताया था कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो 100% आप जानिए कि आपका पेपर बिल्कुल सही होने वाला है। फर्स्ट रहेगा, एरोमेटिसिटी इन बेंजीनोइड एंड नॉन बेंजीनोइड। तो आप जानते हैं कि जिनके अंदर बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन रिंग होता है प्रेजेंट, वो कंपाउंड, वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं बेंजीनोइड, और जिनके अंदर बेंजीन रिंग नहीं होता है उनको बोलते हैं नॉन बेंजीनोइड। जैसे आपको बताया 5-मेंबर रिंग में अगर आपने हेट्रोसाइकिल प्रोवाइड किया हुआ है, जैसे आपका फ्यूरान हो गया है, थायोफिन हो गया, पायरोल हो गया है, तो ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं नॉन बेंजीनोइड। तो वहां पे आपको इसका प्रैक्टिस करना है। अगला रहेगा, अल्टरनेट एंड नॉन अल्टरनेट हाइड्रोकार्बन्स। ये आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन के दो टाइप होते हैं। अगला लेते हैं डेकन रिएक्शन। डी रहेगा कॉन्जुगेशन एंड नॉन कॉन्जुगेशन इन कंपाउंड्स। तो ये आपको बताया हुआ है, इसमें आप क्रॉस कॉन्जुगेशन भी कर सकते हैं बच्चों। अगला रहेगा ई, इंक्लूजन कंपाउंड्स, ये टाइप है कंपाउंड की। अगला एफ रहेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टिविटी इन केमिकल रिएक्शंस। तो आप जानते हैं यहाँ पे आपको कीमो सेलेक्टिविटी आता है, रेजियो सेलेक्टिविटी आता है, डिफरेंट टाइप की सेलेक्टिविटीज होती हैं, डिस्कस किए थे आपके साथ, वो सब आपको यहाँ पर एग्जाम में हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन दे या फिर कोई स्पेशल टाइप की सेलेक्टिविटी दे के आपको पूछ ले शॉर्ट नोट में।
जी रहेगा सॉल्वेंट एंड सब्सट्रेट इफेक्ट। आपको याद है जो हमने पहला क्वेश्चन लिया था, जरा देखिए फिर से, एक्सप्लेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड वेरियस अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स के ही टाइप हैं, सॉल्वेंट एंड सब्सट्रेट इफेक्ट। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही बनता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी यहां से बनता ही बनता है। अब चलते हैं अगला, सेवन क्वेश्चन रहेगा, डिस्कस क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। तो जो आप पढ़ते हैं रेगुलरली, आपने पढ़ा होगा कार्बेनायन कार्बोकैटायन, तो वहां पर जो आप कार्बोकैटायन बोलते हैं तो वो होता है आपका क्लासिकल। लेकिन एक स्पेशल टाइप का क्लास होता है जहां पर कार्बोकैटायन होता है, वो कहलाता है नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। इसका वीडियो आपको जल्द ही लिंक पे, यहाँ तो लिंक नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कमिंग डेज में इसका वीडियो भी आपको मिल जाएगा। अब तक एग्जाम में ये नहीं आया है लेकिन क्वेश्चन बनता ही बनता है, नेट वगैरह में तो यहाँ से काफी क्वेश्चन निकलते हैं। अगला एट क्वेश्चन लेते हैं, डिस्कस थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक कंट्रोल ऑफ रिएक्शंस, राइट एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो आप जानते हैं कोई भी रिएक्शन जो होती है उसको अफेक्टिंग करने वाले दो मेन फैक्टर लेते हैं, उसमें एक काइनेटिक कंट्रोल होता है, दूसरा थर्मोडायनेमिक कंट्रोल होता है। उसके बारे में बताना है एग्जाम्पल की हेल्प से, और वहां पर आपको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम भी देना है, जो रिएक्शन आप मेंशन कर रहे हैं उस पर आपको वो अप्लाई करके दिखाना है। नाइन क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन देयर मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशंस। तो आइए देखते हैं, ये रिएक्शन है पिनाकोल पिनाकोलोन बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट मीरवीन रीअरेंजमेंट बेयर विलीगर कर्टियस। तो ये कुछ रिएक्शन है, इनके बारे में आपको पूरा थ्रोली पढ़ा होना चाहिए कि रिएक्शन होती कहाँ पर है, उसमें बनता क्या है और उसकी मैकेनिज्म, और हाँ अगर उसमें कुछ फीचर्स हैं उसके एप्लीकेशंस हैं तो वो भी आपको आने जरूरी हैं। अगला है टेंथ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक अमंग द फॉलोइंग्स। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ पांच टाइप के स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन पाँचों में आपको प्रैक्टिस करनी है कि और आइडेंटिफाई करना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है कि वो कुछ स्ट्रक्चर आपको दे दे और बोले कि भाई बताओ इनमें कौन सा एरोमेटिक जा रहा है, कौन सा एंटी एरोमेटिक के लिए जाएगा और कौन सा नॉन एरोमेटिक के लिए जाएगा। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, वो आपको देख लेना है जिनको नहीं आ रहा है, और जो देख चुके हैं वो अप्लाई कीजिए, और ये एग्जाम्पल वहाँ पर भी प्रोवाइडेड हैं, आपको मिल जाएंगे वीडियो अगर आप देखते हैं ध्यान से। लगभग पांच वीडियो या छह वीडियो एरोमेटिक और उनकी प्रॉब्लम से भरे हुए हैं। अब लेते हैं 11th क्वेश्चन, तो यहाँ पे आप देखिए सो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स छोड़े हुए हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बी सी डी, ये यहाँ पे चार रिएक्शन है, उनके सामने एरो पे कंडीशन लिखा हुआ है और सामने क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बताना है और रिएक्शन की मैकेनिज्म भी बतानी है कि रिएक्शन हुआ कैसे और बनने वाला प्रोडक्ट बना कैसे। तो ये कुछ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे शॉर्ट में समरी, कहते ना गागर में सागर बनना, वैसा ही काम किया है उन बच्चों के लिए जो अच्छा कर रहे हैं, बस थोड़े से गाइडेंस की कमी है। और जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए आखिरी चांस है कि भैया जल्दी से पूंछ पकड़ के पार हो जाओ नदी के। तो अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, और ये एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलने, तो शुरू हो जाइए, दिल लगा के पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।